नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं रंजीत झा। वैसे सभी अनट्रेंड शिक्षक जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि डीएलएड की परीक्षा कब होगी, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। डीएलएड के ऐसे सभी कैंडिडेट जो फॉर्म भर के इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम्स कब होना है, तो उनको हम जानकारी दे दें कि एनआईओएस ने अब यह सूचना जारी कर दिया है कि परीक्षा कब होगी। 31 मई को 501 विषय 501 की परीक्षा होगी। 1 जून 2018 को विषय 502 की परीक्षा होगी और 2 जून को विषय 503 की परीक्षा होगी। यानी 501, 502 और 503 के लिए एग्जाम के डेट्स आउट कर दिए गए हैं, डेट शीट जारी कर दी गई है। आप इसे एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो एनआईओएस के जो भी कैंडिडेट थे वो 15 दिन की ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं। खास करके बाद में यह भी जानकारी आए कि विषय 504 और 505 के लिए भी जो ट्रेनिंग है वो करा दिया गया है और उसके लिए भी असाइनमेंट जमा करने की तिथि बता दी गई है कि इस तारीख में आप जाकर के असाइनमेंट जमा कर दें। 501, 502 और 503 के लिए सभी कैंडिडेट पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनके लिए यह राहत भरी खबर यह है कि उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त समय अब और मिल गया है। वो आराम से तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद जाकर के परीक्षा दे सकते हैं। आपको हम यहाँ पे एक बात और बता दें कि देश में करीब करीब 11 से 12 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनट्रेंड हैं, ऐसे अनट्रेंड टीचर्स हैं जो सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की एक अधिसूचना जारी हुई, केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको 2019 तक ट्रेंड कर दिया जाए, अन्यथा 2019 के बाद उन्हें नौकरी करने नहीं दिया जाएगा, उन्हें सेवा से निकाल भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में एनआईओएस का सहयोग लेकर के सरकार ने यह कोर्स शुरू करवाया जिसके तहत अब सभी कैंडिडेट इसमें लगे हुए हैं। करीब करीब 12 से 15 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इन्हें 18 महीने का कोर्स करना है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वह अपने स्कूल में सेवा दे सकेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं livecities.in और आप हमारे अन्य खबरों के लिए, एजुकेशन से जुड़ी खबरों के लिए livecities.in के साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।